ओम श्री गणेशाय नमः। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन किया गया है और यही वो दिन होता है जिस दिन गणपति बप्पा की विदाई भी की जाती है। भक्तजनों, अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत ना रख पाए तो भी आज के दिन आपको भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अनंत चतुर्दशी की कथा और पूजा विधि के बारे में। अनंत चतुर्दशी की इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी बिगड़े कार्य बनते चले जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहेगा। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन 14 गांठे लगाकर एक धागा तैयार किया जाता है जिसे अनंत कहते हैं। इसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद इसे अपने हाथ में बांध लिया जाता है। इस दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद अपने मंदिर पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद कलश में भगवान विष्णु की तस्वीर की भी स्थापना की जाती है। अब एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बनाया जाता है। इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। आप चाहें तो मार्केट से बना बनाया अनंत भी खरीद सकते हैं। अब भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने आपको इस अनंत धागे को रखना होता है। भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करनी होती है और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम संप्युत्थर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व ह्यांत सूत्राय नमो नमोस्तुते। इस प्रकार अनंत धागे को अभिमंत्रित करके अनंत देव का ध्यान किया जाता है और फिर पूजा करने के बाद पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में और स्त्री बाईं भुजा में इस अनंत धागे को बांधते हैं। कहा जाता है इस अनंत धागे को बांधने मात्र से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। आपको आपके जीवन में कोई भी कष्ट परेशान नहीं करते। आपके सभी कार्य बनते चले जाते हैं। अगर आज के दिन आप इस अनंत धागे को अपनी भुजा में बांधना चाहते हैं तो आज के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में एक समय ही भोजन किया जाता है और भोजन भी बिना नमक का करना चाहिए। अगर आप आज के दिन निराहार और निर्जल रहकर अनंत व्रत करते हैं तो बहुत उत्तम है। सबसे पहले आज के दिन आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद ही अनंत देवता की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत सबसे पहले पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में एक कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गया तब माया महल का दृश्य देखकर वह धोखा खा गया। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत हो रही थी और जल भूमि के समान। तब दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। इस प्रकार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते हुए वन में रह रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, इससे तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब इस व्रत कथा का महात्म्य बताते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत सुंदर और
गए। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तब उसकी माँ की मौत हो गई। तब उसके पिता सुमंत ने करकशन नाम की स्त्री से विवाह किया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ किया तब करकशन ने पिता ने अपनी जवाई को ईंट और पत्थर के रूपांत कर दिया, क्योंकि जब पुत्री का विवाह किया जाता है तब पुत्री और दामाद को विदाई में कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। ऋषि कौंडिन्य को ये सब बहुत बुरा लगा, किंतु उन्होंने उपहार समझकर ईंट और पत्थर को पकड़े अपने साथ रखा और इस प्रकार बहुत ही दुखी मन से अपने पति को विदा कर चलते 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 शाम होने लगी। अब विदाई एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर जाकर सुशीला ने देखा कि शाम के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके कुछ स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उनके पास जाकर इस व्रत की पूजा भी की और महिलाओं के बारे में पूछा कि वे किस देवता की पूजा कर रही हैं। तब महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे अनंत व्रत कर रही हैं और इस समय अनंत देवता की पूजा करके वे अनंत दौरा अपने हाथ में बांध रही हैं। तब सुशीला ने पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि कौंडिन्य ने सोचा कि उनकी पत्नी उन्हें अपने वश में करने के लिए इस डोरे को लेकर आई है। ऋषि कौंडिन्य ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। ऐसा करने से अनंत देवता का अपमान हो गया, जिसके फलस्वरूप अनंत देव क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे गरीब हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा, तब उनकी पत्नी ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है, जिसके बाद ऋषि कौंडिन्य को अपनी इस गलती का पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में चलते चलते और भटकने के बाद एक दिन वे भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। अब क्योंकि तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तब तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक अनंत व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है जो भी भक्त अनंत व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें फिर लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत को करना चाहिए। प्रेम से बोलो अनंत देवता की जय। हे अनंत देव, इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अनंत देवता की जय लिखने के साथ साथ, अगर आप हर व्रत त्योहार की कथाएं इसी प्रकार मेरे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।